आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं तारीख से। ये चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का। चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए, इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है, वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लगता है चुनाव टालने की ये कोशिश, अगर ऐसा किया जाता है तो, कि चुनाव टाला जाए। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कुछ और बढ़ा दी, आप लोगों की कई कंप्लेन MHA को फॉरवर्ड की गई है, तो आपको लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है अगर ये होता है तो? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में, चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ।